पंडित जी आप सब कुछ विधि अनुसार ही कीजिए। सबसे पहले तो हम गणेश पूजा करेंगे, आप उसके बाद ही नवग्रह पूजा कीजिए। मॉम ये काम पंडित जी को आता है वो अच्छे से कर लेंगे, तुम इधर आओ पहले। अरे 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 दुल्हन कहाँ है, बेला कहाँ है? तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो आ जाएगी, मैंने कुहू को भेजा है। मैं दूल्हा हूँ, मैं उतावला नहीं हूँ तो कौन होगा? और ये आदि, आदि आ गया, आ गया, मैं भी आ गया। आ गया आदि, ये क्या लाया है? इसे कहते हैं सेहरा, इधर आओ। और ये सेहरा मुझे आप अपने दोनों प्यारे प्यारे हाथों से पहनाओगी, और उसके बाद पहनाने के बाद ढेर सारा आशीर्वाद भी देना। पैर कहाँ आपके? पैर हाँ आंटी, ऐसा आशीर्वाद देना कि अब दुल्हन मंडप छोड़ के ना भाग। ओए चुप कर, इसकी बातें मत सुनो, तुम सेहरा पहनो। दुल्हन को बुलाइए, वो कहाँ है? वो रही, वहाँ है हमारी भाभी। आती हूँ मैं अभी। रूही तो आ गई, लेकिन मैं चाहता था कि वो मंडप में उस माहिर को मार कर ही आए, लेकिन जब तक ये कुहू के साथ है। रे आरजे! हाँ हाँ क्या हुआ? यही हूँ भाई यूवी। अरे तो क्या कर रहा, देखता क्यों नहीं है? उन्हें हील्स पहन रखे हैं यार, इस टाइम पे कुछ हो जाएगा गिर गई तो। अरे तू समझ नहीं रहा कितना सीरियस मैटर है यार ये। ठीक है भी। अरे पागल है, तू जा, मैं जाऊँ। ठीक है ठीक है, जा यार, कर उसको हेल्प कर, प्लीज प्लीज गो। कुहू Wait, I'm coming. Who? Baby, heels, not good for you. Okay. Bela, मैं दो मिनट में आई, हाँ? अरे, आप सब लोग इधर आइए ना, आइए आइए आइए, guess. अरे पंडित जी. देखो ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तांगतो अपि वा। बेला बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंडप तो वहाँ है। भागने की कोशिश कर रही थी ये। अरे कोई नहीं, चलो इतने सालों बाद हम लोग कोई इंडियन शादी अटेंड करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। व्हाट एक्साइटमेंट? 6 महीने में दूसरी शादी है इसी लड़की की, बेला की। कम ऑन लेट्स गो। अब तक तो रूही ने अपना काम खत्म कर लिया होगा, बस माहिर को मारते ही वो यहाँ वापस आ जाएगी और फिर होगी हमारी शादी। आ गई दुल्हन, फाइनली। ये कैसे हो गया? सुमी भाभी आ गई बेला, कहीं और ही जा रही थी। इनको घूंघट की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी डायरेक्शन में जाना है। हाँ वो तो अच्छा हो गया हम लोग टाइम पे पहुंच गए। अब कोई बात नहीं, आओ बेला, आओ बेटा। आओ बेटा यहाँ बैठ जाओ। ओ मंगलम कौशलेंद्राय महानीय गुणाब्धये। कोई बात नहीं, माँ के डसने का असर अब भी कुछ घंटों तक रूही पर होगा, यानी वो माहिर को इस शादी के बाद भी मार सकते हैं। और देखा जाए तो ये और भी अच्छी बात होगी, रूही जो कि मेरी पत्नी होगी उसके हाथों उसके पहले पति की मौत। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास अब भी बहुत समय है, बस एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें खुद हवेली लेकर जाऊंगा ताकि उस माहिर को तुम मार सको। क्या बोल रही हुई? अरे भाई तेरी शादी है और दुल्हन भी तेरी है, थोड़ा सब्र कर ले, बाद में बहुत टाइम मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगी तुझे बात करने के लिए। चल एक बढ़िया सेल्फी क्लिक करते हैं चेहरे के साथ। वैसे आरजे माहिर ने भी यही सब सोचा होगा ना शादी से पहले, तो क्या हो गया बेचारी के साथ? क्या कर रहा है व्योम? थोड़ा तो माहौल देख। माय बैड, आई एम सॉरी। कू बेबी अपने माहिर भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं माहिर भाई? ओ कम ऑन आरजे, हमारे माहिर भाई ना दुल्हन जैसे नहीं है, उनके पास दिल है। तेरे पास दिमाग है क्या? इसी जगह पे ऐसी बातें करते को?
इन लोगों की चिंता मत करो, बस तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा। शादी के शोर शराबे में कुछ तो है, कोई तो है जो दबे भाव सब कुछ कर रहा है, बहुत ही चलाकी से अपनी चाल चल रहा है। ठीक है, मालूम तो अच्छा ही है क्यों? इससे किसी का भी ध्यान हम पर नहीं जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये असली खतरा है कौन। तो क्या करें, जो करने आए थे उसे कर ले। कर ही लेते, अब हम अपनी आखिरी चाल चल ही लेते। माहिर तुम अब तक मरे नहीं, लेकिन चलो अब मर जाओगे और वो भी मेरी बीवी के हाथों। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। और डायमंड नेटवर्क भी नहीं आ रहा यहां पे। लैंडलाइन पे क्यों की? सर मैं आपका ऑनसाइट मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर सर मैं हवेली से फोन कर रहा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सर हवेली की एक दीवार गिर गई है और बहुत सारे वर्कर उस दीवार के पीछे फंस गए हैं। मेरे संपन्न हो गए, प्रणाम कर लीजिए। अच्छा हुआ फाइनली दूल्हा भागा नहीं। साले ज़्यादा मत बोल, वरना तू यहाँ से भागेगा कोई भी खाली पेट। चिंता मत करो रोहित, मैं यहाँ सबका ध्यान भटकाता हूँ, तो मौका पाते यहाँ से निकल जाना। चल आदिका, लेट्स टेक अ सेल्फी। किसको इशारे कर रहा हूँ? कौन है वहाँ? नहीं नहीं कुछ फोटो करी। कम ऑन, हाँ कम। या अब मंगलसूत्र और सिंदूर का दान करेंगे आप। आप सहयोग कर दीजिए। मीता। यस मैम। एक गिलास पानी लाना जी।
बुल्डो कौन है? एम्बुलेंस बुलाओ और जल्दी। फायर ब्रिगेड को भी फोन करो। बुल्डो। समरी कॉल पुलिस। समरी को फायर ब्रिगेड। आराम से। आधी आराम से। इसका मतलब? ये फेक कॉल था। इसने मुझे झूठ लाया। ये जानबूझ के किया गया है, इससे कि मैं बेला से दूर हो सकूं। मैं बेला को फोन करता हूं। नेटवर्क काम हो गया। मतलब माहिर मर गया, तुमने उसे मार दिया। ये इस माहिर का खून है ना? मैं जानता था कि तुम कर दोगी। रुई, तुम सोच रही होगी ना कि मैं क्या कर रहा हूं। रुई, मैं खुद का राज तिलक कर रहा हूं, खुद को शाबाशी दे रहा हूं, जश्न मना रहा हूं मैं रुई, क्योंकि मैं अब नागराज बनूंगा और तुम नहीं। तुम नागराज कैसे बनोगी? तुम नहीं, मुझे माफ कर दो तुम, कि मैंने तुम्हारे हाथों एक बेकसूर को मरवा दिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ आओ। रुही, मैंने ऐसे चाल चली जिसमें मुझे कामयाब होना ही था, क्योंकि आखिर कब तक निरोगवंश श्रेष्ठा वंश की गुलामी करेगा? इसलिए आज पहली बार निरोगवंश का ये नागराज बनेगा और पूरे नागलोक पर राज करेगा। इसने मेरे जानबूझकर तुम्हारे हाथों से उस बेकसूर को मरवाया, ताकि तुमसे तुम्हारा तख्त छिन जाए। और देखो, तुम्हारा तख्त छिन गया है रोही। तुम सर से पांव तक उसके खून से लदी हुई हो। अब लोग तुम्हें नागरानी नहीं, तुम्हें हत्यारण कहेंगे। रोही, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने एक निर्दोष को मार डाला है। जैसे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना कि उसे मरना था, उसने मुझसे मेरे प्यार को छीना था, तो सजा तो मिलनी थी उसे।
सजाए मौत। लेकिन लेकिन देखना, तुम घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रुपी, तो एक तुम मेरा सदैव पुराना प्यार हो। भले ही मैं नागराज बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल पर राज करती हो रुपी। देखो रुपी, मैं समझ सकता हूं कि इस समय तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम पुराने जादू के असर में हो। लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे ही धीरे धीरे वो असर खत्म होगा, तो मेरी बात को समझोगी कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। क्या कहा तुमने? तो तुम सुन रही हो, इसका मतलब है कि वो असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह सब कुछ खत्म हो गया है। रोते नहीं है, रो मत। सही कहा तुमने, सब खत्म हो गया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितना भी बचा कुछ अपनापन था और जितनी भी इज्जत बची थी, सब खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गया है। चाहता तो उस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। समझ सकता हूँ कि तुम पर भी क्या बीत रही होगी। आखिरकार तुमने अपने माहिर को जो मारा है, क्या लगता है तुम्हें? बेवकूफ हूँ मैं, मूर्ख हूँ मैं, पूरे नागवंश की नागरानी हूँ मैं, पूरे नागवंश की जिम्मेदारी है मुझ पे। और तुम्हें लगता है कि जो नागरानी अपने पूरे नागवंश को बचा सकती है, वो अपने प्यार की रक्षा नहीं कर पाएगी? मार देगी उसे अपने ही हाथों? तुम्हारी अकली पे हंसी आ रही है मुझे। ऐसे बनोगे तुम नागराज? ऐसे 100 साल और लग जाएंगे तुम्हें, 100 से भी ज्यादा, अनगिनत साल। और रही बात माहिर को मारने की, मेरे होते हुए मौत उसे छू भी नहीं सकती। शायद भूल गए तुम, तुम्हारा साथ छोड़ के मैंने माहिर का हाथ थामा, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार माहिर है। तुम जैसा झूठा उसे छू भी नहीं सकता। जहां इस वक्त माहिर है ना विक्रांत, तुम तो क्या तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। ये खून, झूठ, जो कुछ तुमने अभी सुना सब झूठ, धोखा था। धोखा? सुना है ना तुमने ये शब्द? तुम यही तो करते हो दूसरों के साथ। जो आज तुम्हें मिल गया, कमाल कर दिया तुमने, तुम्हारा जवाब नहीं रुही। वाह, तुमसे सीखा, प्यार में हार और पीठ पे वार। बहुत अच्छे रूही, बहुत अच्छे। लगाओ मुझ पर इल्जाम, आज तुम्हारा हर एक इल्जाम मुझे मंजूर है। पर अब तुम इसकी मुझे आदत डालोगी ना, क्योंकि यही तो होता है ना पति पत्नी के बीच में, सुबह से शाम तक एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे पे आरोप मलना, है ना? क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? चाहे कुछ भी कहो, लेकिन सच को ठुकरा नहीं सकती हो। और सच यही है रूही कि तुम मेरी पत्नी, सबके सामने तुमने मेरे साथ साथ फेरे लिए हैं, 7 जन्मों की जीने मरने की कसम खाई। तुम्हारी मांग मेरे नाम के सिंदूर है, तुम्हारे तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है। कहाँ है मंगलसूत्र और कहाँ है सिंदूर? रूही, सिंदूर मिटा लेने से सच मिट नहीं जाएगा। सच तो कभी मिट ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कह रहे हो तुम, तुमने मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया अपनी पत्नी को, मुझे नहीं। विक्रांत, 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 विक्रांत।
शादी मुबारक हो विक्रांत। और विशाख, तुम्हें थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना पुराने जादू के बारे में। पुराने जादू का पुराना तोड़ है मेरे पास। जरूरी है क्या बेटा? इसमें अगर हल्दी लगी रह गई तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है ना, कहीं एलर्जी ना हो जाए। इसे भी निकाल दो। इसीलिए जब तुमने अपने उस नाग को मुझे डसने के लिए भेजा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके जहर का असर नहीं हुआ मुझ पे, यानी कि मैं कभी तुम्हारे वश में थी ही नहीं विक्रांत। बेला, तुमने मुझसे झूठ बोला? क्यों? झूठ सिर्फ तुम ही बोल सकती हो, मैं नहीं। चालें चल सकते हो? आज तुम दोनों की चाल से ही मैंने तुम्हें मात दे दी। ये तुमने क्या कर दिया विशाखा? तुमने रोहित की बात क्यों सही? तुम शादी का जोड़ा पहन के क्यों आई? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं बताती हूं। क्या हुआ बेला? तुम इन कपड़ों में? तुम्हारी मदद चाहिए बेला, मैं इतने दिनों से बोलो ना कि तुम मेरी मदद करोगे। लगता है इस पे विक्रांत का जादू असर कर गया है। अच्छा है। हाँ बेला, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। मैं उसी के लिए तो आई हूँ। क्या हुआ, क्या करना है मुझे? दुल्हन बनना। दुल्हन बनना? मेरी शादी है ना आज। किससे? विक्रांत से। लेकिन मैं तो मंडप में नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि मुझे हवेली जाके पहले माहिर को खत्म करना है। विक्रांत ने यही कहा है, सबसे पहले वही काम करना है। इसलिए मेरी जगह मंडप पे तुम बैठ जाओगी। वहाँ वहाँ ऐसा ही एक और जोड़ा रखा है, तुम उसे पहन लो और मंडप में बैठ जाओ। मैं बस माहिर को खत्म करके आती हूँ। तब तक तुम मंडप में बैठी रहना और किसी से कुछ मत कहना, विक्रांत से भी नहीं। बिल्कुल बेला, मैं यही तो मेरा मतलब मैं तुम्हारी मदद ही तो करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जाओ, तुम माहिर को मारो, मैं सब कुछ संभालूंगी बेला। तुम जाओ। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की? ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है।
विक्रांत, विक्रांत मैं मानती हूँ केला ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन जरूरी बात ये कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई, किसी और से नहीं। बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे धोखा दिया है। मुस्कुराना मत रूही, मेरे साथ मजाक मत करना। मैं इस समय बहुत गुस्से में हूँ और मेरे गुस्से को भड़काना मत, वरना वरना क्या विक्रांत, क्या कर लोगे तुम? भूलो मत, मैं अब भी तुम्हारी नागरानी हूँ और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। जगह दिखा सकती, यही है तुम्हारी जगह, ये मिट्टी। अपनी नागरानी से दगा किया है तुमने, इसकी सजा तुम जानते हो। तुम्हें तुम्हारे इरादों समेत मिट्टी में मिला दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी तुम्हें। ही बचोगे तुम विक्रांत? लेकिन क्या करें, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ही हो गई है। चार दिन इंसानों के बीच में रहकर मुझे और मेरे प्यार को भूल गई है ये। प्यार? तुम्हारा प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार कहते किसे? प्यार में कोई होशियारी नहीं होती, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं होता, और तुमने ये सब किया है मेरे साथ। बस प्यार नहीं किया तुमने विक्रांत, और मैंने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया ना, दिल दे दिया तुम्हारे हाथों में, जिससे तुम खिलौना समझ के खेलते रहे। जो माहिर करता है ना, उसे प्यार कहते। जिसने कभी अब तक कोई फैसला मुझ पे नहीं थोपा, क्योंकि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, उसके प्यार में झूठ नहीं है, वो कुछ छुपाता नहीं है मुझसे, यकीन करता है मुझ पे। आजादी दी है उसने मुझे, मैं अपने लिए खुशियां चुन सकती, मैं जो चाहे कर सकती। चाले नहीं चलता वो मेरे साथ तुम्हारी तरफ, दगा नहीं देता मुझे, बदला नहीं लेता मुझसे, तब भी नहीं जब मैंने उसके प्यार को टुकरा दिया। इसी को प्यार कहते, तुम्हारे और उसके प्यार को मैं तोल भी नहीं सकती। तुम दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करूंगी ना, तो प्यार शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें आज फैसला जरूर मिलेगा। जो तुमने किया है ना, उसका नतीजा आज भुगतोगे तुम। बचोगे नहीं तुम विक्रांत, नहीं विलम, विलम ये सब अरविंद, अरविंद, अरविंद क्या हुआ? सब कैसे हो गया? किसने की तुम्हारी ये हालत? वो नागरानी, वो लोग आ गए। बोले ना, कौन कर रहा है ये सब? अरे
हमला कर दिया है हम पे। अब हम आ गए, नागों का अंत अब शुरू होगा। अब चाहे वो किसी भी वंश के हो, हमसे नहीं बच पाएंगे। वो अब गिद्धों का शिकार बन के रहेंगे, सब मरेंगे। ना कोई नाग बचेगा और ना ही कोई नागरानी। हाँ, और जो उस नागरानी ने किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, और बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस नागरानी ने जो देखा वो तो सिर्फ एक झलक थी, असली मौत का तांडव तो अब शुरू होगा, क्योंकि ये सब के सब मारे जाएंगे। उस बेला ने अपना ताज तो बचा लिया, पर अपने राज में बाकी नागों को कैसे बचाएगी, क्योंकि अब सब के सब मरेंगे इस महायुद्ध में। गीत मारेंगे और नाग मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। अरे उसे एम्बुलेंस में भेज तो दिया ठीक से? हाँ, उसे एम्बुलेंस में भेज दिया, बट उसने कहा कि उसने बहुत बड़ा सांप देखा किचन में और मुंह खोल के उसे जला दिया। गॉड, आर यू सीरियस? ओह गॉड, ये चल क्या रहा है इस घर में? व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? यहाँ पर कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? वो भी अच्छा होता तो है। देखो अभी भी यूवी और बेला की शादी हुई यहाँ पर, कितना अच्छा हुआ है। वैसे यूवी और बेला है कहाँ? यहाँ। पर शादी तो यूवी की ही शादी हुई, और आई थिंक हमें न्यूलीवेड कपल का बहुत जल्दी वेलकम करना चाहिए। अरे पर तुमने ये कपड़े क्यों चेंज कर लिए? अब हम 24 घंटे यही करते रहेंगे, तुम्हें बार बार दुल्हन बनाते रहेंगे। मैं आरती की थाल और कलश लेके आती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है बेटा, मैं जा रही हूँ ना, मैं लेके आऊंगी। युवराज का आते ही होंगे, इसीलिए तो सब तैयारी कर रही। ओह बेबी, क्या हो रहा है ये सब? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब बताओ, नई नई मिली दुल्हन अपने गृह प्रवेश की तैयारियां खुद ही कर रही, वो भी ऑलरेडी प्रवेश करने के बाद। वाओ गाइस, सीरियसली दिस इज टू मच। चलो बेला, तुम जाओ बेटा, घर के बाहर जाके वेट करो। क्यों माँ, तेरे कैसी अजीब बातें कर? तुम इस घर की बहू हो, नई बहू। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ माँ, लेकिन नई बहू नहीं हूँ। एक सेकंड, यूवी, यूवी बताएगा ये उसने क्या और क्यों किया। बोलते क्यों नहीं युवराज, क्या है ये सब? युवराज, तुम ही आए थे ना बार बार तुम्हारे डैड और मेरे पास ये कहते हुए कि तुम बेला से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, जो कुछ गलत हुआ है उसे सही करना चाहते हो, यहाँ तक कि तुमने बेला और माहिर का डिवोर्स भी करवा दिया। और अब क्या किया तुमने? इस विशाखा खन्ना से शादी कर ली, बता सकते हो क्यों? मोमे ने वही किया जो मुझे सही लगा। And I realized one thing कि हम दोनों को अलग करना सही नहीं। एक मिनट। यानी पूरी शादी में इस घूंघट के पीछे ये थी? Of course। युवराज की सारी रस्में
मेरे साथ हुई है। व्हाटएवर, दूसरी बहू मुबारक हो मां। एनीवे, तुम ये कलश गिरा के घर प्रवेश करो। ये तो होना ही था विक्रांत, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी तो तुम मुझे मरता हुआ छोड़ गए थे, फिर भी मैं वापस लौट आई तुम्हारे लिए, इस दिन के लिए, तुम्हारी बनने के लिए। ना पैर आगे बढ़ो, जब इस घर में आ ही गई हूं तो चलो मैं तुम्हें युवराज का कमरा भी दिखा दूं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी युवी? बस ठीक, खुश, हमेशा खुश। इसीलिए तुमने मुझे हवेली से ऑफिस भेज दिया था ना? क्योंकि मैं जानती थी इस मुसीबत से कैसे निपटना है। पर अब जो नई मुसीबत आई है उससे मुझे कैसे निपटना उसका मुझे भी नहीं पता। लेकिन बेला, इस इंपोस्टर को घर पे रखना ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट्स टू रिस्की। इसका सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और रही बात रिस्क की, तो हमने आज तक सारे रिस्क उठाए ना एक साथ मिलके और हम जीते, फिर डर किस बात का, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा तुमने कहा था, हम आज भी साथ, जैसा तुमने वादा किया था, जैसा हमने वादा किया था। Yeah. It's been quite a hectic day. मैं पागल ही हो रही। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन एक चीज तो सही हुई ना, हमारी शादी। चुप, बिल्कुल चुप निशक। आधा खेल तो मेरा तुमने बिगाड़ा है। शादी के मंडप बनाकर बैठ गए, मुझे कुछ बताया नहीं तुमने। तुमने, मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी विशाखा। हाँ, उम्मीद तो मैंने भी तुमसे नहीं की थी विक्रम। तुम मुझे मरता हुआ छोड़कर चले गए थे, तुमने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। विक्रम, मैंने तो इस वक्त में तुम्हारा साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ थी, फिर क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ? जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम। जैसी भी हो गई, अब तुम्हारी बीवी हूं। अब तुम यहां क्यों आई? तुम्हारे मन को तो तसल्ली मिल गई होगी ना? तुम्हारे जहां से मैं फंस गया ना, मैं बन गया ना बेवकूफ, मैंने कर ली ना शादी विशाखा से। क्यों बार बार चुप करो तुम दोनों? किसने किसके साथ क्या किया, कितना बुरा किया, इस चीज का हिसाब हम बाद में लगा लेंगे और मैं लगाऊंगी इसका हिसाब। कि तुम दोनों का किया मैं भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सबके लिए नहीं आई। अपने नाक लोग की फिक्र मुझे यहाँ पर खींच के लाई। देखो, आज किधू ने जो कुछ किया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी समस्या है और हमें अपने आपसी झगड़े भुला के इस वक्त अपने दुश्मन के साथ लड़ना, एक साथ मिलकर। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और बेला, बेला इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रांत, हाँ ठीक है, मैं भी साथ हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा,
अचानक ये दुश्मन आए कहाँ से? कहाँ से आए हैं ये गिद्ध? किसी को पता है?